और कुन्नियत आपकी अबू बकर है। कुन्नियत किसे कहते हैं? कुन्नियत का माना ऐसा नाम जिसकी निस्बत औलाद की तरफ या किसी मखसूस सिफत की तरफ, यानी फलां का बाप, इसको कुन्नियत कहते हैं। और अरबों के अंदर उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रिवाज था कुन्नियत का, और अब भी है कि अरब हजरात असल नाम की बजाय कुन्नियत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। बार दफ़ा तो असल सहाबी का नाम ही मालूम नहीं होता कि उनका असल नाम क्या है। जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, अब उनका असल नाम क्या था मालूम नहीं। ऐसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फिर कुन्नियत की भी दो किस्में हैं। बाज़ दफ़ा कुन्नियत औलाद की तरफ निस्बत करके रखी जाती है, जैसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन, यानी हसन के वाले, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत है अबुल हसन। और बाज़ दफ़ा कुन्नियत औलाद की तरफ निस्बत करके नहीं होती, बल्कि किसी मखसूस वाक़े या किसी मखसूस सिफत की बिना पर होती है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत है अबू हुरैरा। हुरैरा अरबी ज़बान के अंदर बिल्ली के छोटे बच्चे को कहते हैं। उनको शौक़ था, हर वक्त बिल्ली का बच्चा अपने पास रखते थे। जैसे आजकल भी लोगों का शौक़ होता है, बाज़ लोग तीतर अपने पास रखते हैं, बाज़ बटेर रखते हैं। ये मियाँ वाली साइड की तरफ जाएँ तो हर आदमी के हाथ में बटेर होता है। तो ऐसे ही उनकी आदत थी कि वो अपने पास बिल्ली का बच्चा रखते थे, आस्तीन में रखते थे या कहीं भी रखते थे। तो उस वजह से आपका नाम ही अबू हुरैरा पड़ गया। आपकी कुन्नियत के नाम से इतना मशहूर हुआ कि आज नाम का इल्म नहीं है लोगों, नाम आपका उमैर था, उमैर बिन आमिर। तो कुन्नियत से आप ज़्यादा मशहूर हो गए। और बाज़ दफ़ा कुन्नियत किसी ख़ास वाक़े की तरफ निस्बत करते हुए रखी जाती है। जैसे एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए अपनी साहबजादी के यहाँ, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ। पूछा कि अली कहाँ है? अर्ज़ किया कि मस्जिद गए हुए हैं। तो आप मस्जिद तशरीफ़ ले गए, देखा तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए हैं। मस्जिद का कच्चा फर्श था, फर्श तो होता नहीं था, मिट्टी पर आप लेटे हुए हैं और आपके जिस्म पर गर्द व गुबार और मिट्टी पड़ी हुई है। और मिट्टी और गर्द व गुबार को अरबी ज़बान में तुराब कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब, यानी ए मिट्टी वाले, ए गर्द व गुबार वाले, खड़े हो जाए। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कुन्नियत इतनी पसंद आई कि उन्होंने आइंदा के लिए इसी को ही इख्तियार कर लिया। इसलिए अब कुन्नियतें तो दोनों हैं, अबू तुराब भी आपकी कुन्नियत है, अबुल हसन भी आपकी कुन्नियत है, लेकिन ज़्यादा मशहूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तुराब की कुन्नियत से हैं। तो ये है कुन्नियत। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुन्नियत है अबू बकर, ये बकर आपकी औलाद में से किसी लड़के या लड़की का नाम नहीं है। ना तो आपके किसी बेटे का नाम बकर है, ना ही आपकी किसी बेटी का नाम बकर है। बकर का माना होता है अरबी ज़बान में पहल करने वाला, सबकत करने वाला, सुबह की रोशनी में सबसे पहले चलने वाला, सफ़र करने वाला, यानी पहल और सबकत को अरबी में बकर कहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूँकि इस्लाम लाने में पहल की, सबकत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया। तो इस एतबार से आपकी कुन्नियत अबू बकर मशहूर हो गई, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये आपकी कुन्नियत है।